तब वहां पर जेएनयू और डीयू के छात्र भी होते थे जो इंदिरा सरकार की तानाशाही का विरोध करते थे। वो नारे लगाते थे, जेल के दरवाजे तोड़ दो, जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ दो। यहीं से जॉर्ज नौजवानों के लिए विद्रोह का आइकन बन गए। इसलिए सामाजिक न्याय और मंडल आयोग और आरक्षण की जब हम लोग बात करते हैं एक तरफ, और उसके ऊपर हल्ला बोल करने का काम दूसरे और लोग करते हैं, तो ये सबको बोलना बहुत जरूरी है और सबने समझना बहुत जरूरी है कि सामाजिक न्याय के सिक्के का दूसरी बाजू है आर्थिक न्याय। क्योंकि अगर सामाजिक न्याय के बारे में चिल्लाते हुए हम और हमारी सरकार भी रोजगार निर्माण करने में, देश का विकास का एक नया ढांचा निर्माण करने में असमर्थ साबित हो जाते हो, तो फिर मिलना क्या है? वोट मिलेंगे लेकिन लोगों को क्या मिलेगा? लोगों की जिंदगी कैसी बनेगी, उनका भविष्य कैसे बनेगा और यह देश कैसा बनेगा?